कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले के कैरागोडू गांव में सरकारी जमीन पर नेशनल फ्लैग या कन्नड़ फ्लैग के बजाय भगवा रंग का झंडा लगाए जाने पर काफी विवाद हुआ। इस घटना को लेकर राजनीतिक पक्ष आमने सामने है, ये विवाद सुर्खियों में भी रहा। दरअसल भाजपा और अन्य कुछ संगठन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर हिंदू विरोधी पार्टी होने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी भाजपा और जेडीएस पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और शांति भंग का आरोप लगा रही है। एएनआई समेत कई मीडिया आउटलेट्स ने इस घटना के बारे में रिपोर्ट्स दी। ज्यादातर इन खबरों में राजनेताओं के बयान शामिल है। हालांकि इनमें कहीं पर भी ग्राम पंचायत अध्यक्ष और पीडीओ के अनुमति पत्र का जिक्र नहीं है, जिसमें फ्लैग पोस्ट पर सिर्फ नेशनल फ्लैग या कन्नड़ फ्लैग फहराने की इजाजत दी गई थी। ऑल्ट न्यूज की टीम ने पाया कि 28 और 29 जनवरी को एएनआई द्वारा इस मामले पर 23 ट्वीट्स किए गए। इनमें कम से कम 10 ट्वीट्स में ये बात लिखी है कि ग्राम पंचायत बोर्ड ने मांड्या डिस्ट्रिक्ट में विवादित स्थान पर हनुमान का झंडा फहराया। ध्यान दें कि इस विवाद की शुरुआत में एएनआई के इस पहले ट्वीट में कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का बयान शामिल है, जिसमें भी यही दावा किया गया है। हमने ये भी नोट किया कि इसके बाद से एएनआई ने सिर्फ भाजपा के बयान को ही खबर बताकर दोहराया है। हालांकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। कर्नाटक के केरागोडू गांव में एक स्थानीय संगठन गौरी शंकर सेवा ट्रस्ट ने 29 जनवरी 2023 को ऑडिटोरियम परिसर में झंडा फहराने के लिए ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और पीडीओ से एक फ्लैग पोस्ट बनाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि वो इस ध्वज स्तंभ पर तिरंगा झंडा और कर्नाटक ध्वज फहराने पर सहमत हुए हैं। इसके बाद 5 जनवरी 2024 को साइट इंस्पेक्शन कर कथित जगह पर फ्लैग पोस्ट बनाने की अनुमति दी गई। 17 जनवरी को गौरी शंकर ट्रस्ट की ओर से 7 सदस्यों द्वारा साइन किया गया ये डिक्लेरेशन लेटर जारी किया गया और इसमें कहा गया कि इस ध्वज स्तंभ के निर्माण के संबंध में जारी की गई शर्तों से वो सहमत है। इसमें ये भी साफ बताया गया है कि इस फ्लैग पोस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज और कन्नड़ ध्वज के अलावा कोई और राजनीतिक या धार्मिक ध्वज नहीं फहराया जाएगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष और पीडीओ ने 19 जनवरी को 5 शर्तों के साथ गौरी शंकर ट्रस्ट को कथित जगह पर झंडा फहराने की अनुमति दी थी, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा था कि ध्वज स्तंभ पर केवल राष्ट्रीय ध्वज और कर्नाटक या कन्नड़ ध्वज फहराने की अनुमति है और कोई अन्य धार्मिक या राजनीतिक दल का झंडा फहराने की अनुमति नहीं है। हालांकि इन शर्तों को नजरअंदाज करते हुए 20 जनवरी को इस फ्लैग पोस्ट पर धार्मिक झंडा फहराया गया। द साउथ फर्स्ट से बात करते हुए केरागोडू गांव के मंडल पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी और हनुमान ध्वज पहले ही लहराया जा चुका था, इसलिए वो इसको लेकर कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहते थे। उन्होंने पंचायत सदस्य और ग्रामवासियों के साथ एक मध्यस्थता बैठक भी की, जिसमें ज्यादातर गांव वाले चाहते थे कि उस वक्त हनुमान ध्वज फहराया जाए, लेकिन कुछ पंचायत सदस्यों ने ये कहते हुए इस पर आपत्ति जताई कि अगर इस बार धार्मिक ध्वज फहराने की अनुमति दी जाती है तो दूसरे धार्मिक संगठन भी बाकी अवसरों के दौरान अपना धार्मिक झंडा फहराने की अनुमति मांग सकते हैं। 22 जनवरी को केरागोडू गांव के लोगों ने मांड्या जिला पंचायत के सीईओ के पास शिकायत दर्ज कराते हुए उस फ्लैग पोस्ट से भगवा झंडा हटाने का आग्रह किया और सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश देने के लिए कहा, जैसा कि अनुमति पत्र की शर्तों में लिखा है। मांड्या सीईओ ने 23 जनवरी को ये शिकायत पत्र स्वीकार किया। हमें कुछ और रिपोर्ट्स भी मिली, जिसमें बताया गया है कि इस कथित फ्लैग पोस्ट पर धार्मिक झंडा लगा रहा और गणतंत्र दिवस की सुबह यानी 26 जनवरी को वहां पर गौरी शंकर सेवा ट्रस्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लेकिन शाम होते ही उसे उतार कर वापस भगवा झंडा फहरा दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले पर एक्शन लिया और वहां से भगवा झंडा उतार कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद भाजपा, जेडीएस और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और भगवा झंडा फहराने की मांग की। इस पूरे मामले को देखते हुए हमें मालूम हुआ कि ये बात ऑन रिकॉर्ड कहीं भी नहीं बताई गई है कि ग्राम पंचायत बोर्ड ने धार्मिक झंडा फहराया या पंचायत बोर्ड ने कहा है कि उनके द्वारा फ्लैग पोस्ट पर भगवा झंडा फहराया गया।
जैसा कि ANI ने दावा किया था। वहीं गौरीशंकर सेवा ट्रस्ट के हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें नहीं पता है कि 20 जनवरी की शाम और 26 जनवरी की शाम में किसने फ्लैग पोस्ट पर भगवा झंडा फहराया। ऑल्ट न्यूज ने कैरागोडू गांव के मंडल पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार से भी बात की। उन्होंने ANI के पंचायत बोर्ड द्वारा धार्मिक झंडा फहराए जाने के दावे को सिरे से खारिज किया और इसे फर्जी खबर बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम पंचायत बोर्ड ने कथित फ्लैग पोस्ट पर धार्मिक झंडा नहीं फहराया था और न ही इसकी अनुमति दी गई थी।